हवेली तालुक्यातील पेरणे फाटा कोरेगाव भीमा येथे 1 जानेवारी रोजी होणारा जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रम सुरळीत पार पडण्यासाठी विविध पक्ष संस्था तसेच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी भेट देणाऱ्या नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी व्यक्त केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात मौजे पेरणे येथील जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाची पूर्वतयारी आढावा बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेतलेली आहे. जिल्हाधिकारी श्री राम म्हणाले, जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमास मोठ्या प्रमाणात नागरिक उपस्थित राहतात. हा कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पडण्यासाठी प्रशासन सर्वोपतरी प्रयत्नशील असेल. नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देऊन कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रशासनाचे नियोजन केले असून त्यानुसार कामे केली जातील. पोलीस अधीक्षक संदीप पाटील म्हणाले, पेरणे जयस्तंभ अभिवादन दिन हा शौर्याचा अभिमान बाळगण्याचा दिवस असून या ठिकाणी येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे लोकभावनांचा आदर राखून प्रशासनास कार्य करावे लागेल. नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने या ठिकाणी अतिरिक्त पोलीस यंत्रणा येथे कार्यरत राहील. हा कार्यक्रम शांततेने पार पडून पुणे जिल्हा हा सर्वांना सामावून घेणारा जिल्हा असल्याचे दाखवून देऊया असे आवाहन श्री पाटील यांनी यावेळी दिले. बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम, तो इसमें देखिए जो भी हमने किया था प्रशासन की तरफ से काफ़ी काम हुआ, मगर सबसे महत्वपूर्ण ये था कि जो स्थानीय लोग हैं उनका सहकार्य, उनका जो सहयोग था बहुत महत्वपूर्ण था. बाहर से जो लोग आए उनके लिए सभी सुविधाएं जो प्रशासन ने दी थी, उसके अलावा लोगों का सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत काम आया. तो इसके कारण से हमें ये बात समझ में आ गई है कि जो स्थानीय व्यक्ति है, यहाँ का जो लोकल है, उसका सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है. और इनफैक्ट फॉर्चुनेटली सबका सपोर्ट हमें इस बार भी है. जो प्रोग्राम लास्ट ईयर हुआ था उसमें कुछ कुछ कमियां जो रह गई होंगी, हालांकि कमी कुछ थी नहीं पिछले बार ज़्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्राम हुआ था. मगर लाइट सी अभी अभी जो लाइट की व्यवस्था हम कर रहे हैं उसमें और बेहतर व्यवस्था, जो कि पिछले बार कुछ कमी रही होगी. यह जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बहुत भारी संख्या में, तो उसके लिए जो और अलग अलग तरह के डाइवर्जन पॉइंट्स बनाने, और ज़्यादा पार्किंग की व्यवस्था करने, या फिर गाड़ियों का सही तरीके से आगमन हो या फिर अच्छे ढंग से निकल जाए, उसके लिए बसेस की मतलब और संख्या बढ़ानी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हमें इस बार मिले थे. तो उसके हिसाब से हम इस पर काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि जो प्रोग्राम आपने देखा था पिछले बार उससे भी बेहतर नियोजन प्रशासन इस पर कर रहा है और बहुत अच्छे ढंग से इस बार का भी कार्यक्रम होगा. सर, कार्यक्रम में कितने लोग आ सकते हैं? हालांकि कोई ऐसा इसके लिए हमारे पास एजेंसी नहीं है जो आपको बताया लोग कितने आएंगे, बस एक अंदाज रहता है. अंदाज ये है कि मतलब भारी संख्या में लोग आ सकते हैं.